न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर पहुंची भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके ने सर्किट हाउस सभागार में की जन सुनवाई। कहा, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलेगा उनका अधिकार। गठबंधन पर दिए गए बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर बोले सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, मायावती का बयान उनका निजी फैसला। सपा सभी सीटों पर लड़ेगी उपचुनाव और जीत भी करेगी हासिल। बरमारी लाल कंचल की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला इकाई की बैठक। व्यापारियों को 30,000 पेंशन दिए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। शाहपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरा, आधार कार्ड, महिला का फोटो और 500 रुपए हुए बरामद। एक एनजीओ द्वारा संचालित बेसहारा मानसिक मंदित महिला आश्रय गृह मातृ छाया का जिलाधिकारी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, मानसिक रूप से विचलित बेसहारा महिलाओं को मिलेगा सहारा। जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक। ग्राम पंचायत के उपचुनाव में प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने सहित सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की बनी रणनीति। हज और उमरा पर जाने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को दी गई ट्रेनिंग, बताई गई हज यात्रा की बारीकियां। और रविवार को भी रुक रुक कर हुई रिमझिम बारिश का लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। बादलों और सूर्यदेव के लुकाछिपी ने बढ़ाया उमस।